हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटीवर। तो आप यहाँ पे इस बेबी गर्ल का हेयर क्वालिटी देख सकते हैं। शॉर्ट तो है ही है और काफी थिन हेयर है, तो पतले बालों पे आप किस तरीके से कट करें बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने वाली हूँ और पूरा लुक चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगी। और सिंपली आपको इस तरीके से हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पतला हेयर है तो फिर बहुत ज्यादा आपको सेक्शन नहीं लेना है, टू पार्ट्स में डिवाइड करें। तो सेक्शन आपको ऐसा गोलाई से डिवाइड करना है, हल्का सा वी शेप आपको देते हुए। इधर से देखोगे तो वी दिखेगा और इस तरफ से अगर हम इसको देखेंगे तो ए सेक्शन दिखेगा। तो बस आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा हेयर को क्लच कर दें, नीचे करो ऐसा ऐसा। सबसे पहले गाइडलाइन रेडी करने के लिए क्या करें, सेंटर पार्ट से हेयर को लें यूं, बेटा नीचे रखना। ऐसा तो अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रहा है मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। जैसे कि लेंथ आपको कान के नीचे से रखनी है यहां से, तो पहला हेयर आप यहां से एक लेयर को कट कर लें। स्टार्ट ही आप कान के पास से करें तो सारी प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। तो कान से थोड़ा नीचे ले रही हूं मैं ताकि अच्छा लगे। अब इसको मिलाते हुए हम बाकी के हेयर को यूं ट्रिम करेंगे, ऐसा बराबर ही कट करना है, तिरछा मत कट करिएगा। नीचे करो बेटा और नीचे, जब यहां पे आप कटिंग करें तो कभी भी जब ऐसा सिर अगर रहेगा और आप ऐसा कोम करके हेयर को कट कर दोगे तो वो कभी परफेक्ट शेप नहीं आएगा। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाती हूँ। जैसे सिर ऐसा है, ठीक है, आपने ऐसा मेजर किया और यूं कट किया, नीचे करो बेटा। अब आप इसको कोम करके देखोगे तो ये देखो हेयर निकल के आ गए बाहर, और जो एकदम डाउन करके कट हुआ है उसका शेप देखो और इसका शेप देखो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ हो ना इसके लिए आप नीचे झुकाओ जितना ज्यादा हो सके, सिर को डाउन करें और एकदम स्ट्रेट ऐसा उठा के नहीं ऐसा करके ही करें। उंगली आपकी टच रहनी चाहिए स्किन से, नेप एरिया पे, और इक्वल कट कर दें। उसके बाद कोम करते हुए इवन कर लें, नीचे करो बेटा ऐसे ऐसे। कान के पास आपको अपोजिट डायरेक्शन में डाउन करना है और कान के हेयर जो है ऊपर वाले उसको ऐसे ही लेंगे, आगे पीछे करके मत लीजिएगा। तो जिनको भी बेबी हेयर का टफ लगता है आप ये वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। आप पूरे हेयर को नीचे डाउन कर दें एक बार में, सामने स्ट्रेट पार्टिंग रखें इतना और पीछे वाले को यूं करें, कान के पास के हेयर को ऐसे फैला लें, ऐसे करो बेटा। ऐसे झुकाओ, अब यहां पे क्या करना है, जो ये गाइडलाइन दिख रही है उसके बराबर ना कट करके इसको हम थोड़ा सा एमएम के हिसाब से इसको हम एक्स्ट्रा कट करेंगे ये, ताकि अंदर वाला हेयर हाइड हो सके। नीचे 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 ऐसा, और जहां का हेयर है आपको वहीं ले जाके कट करना, सेंटर का सेंटर इस तरफ का सेम वहीं पे रखेंगे। नीचे बेटा सीधा
ऐसे करो। तो जिनको भी लगता है कि बेबी हेयर कट गड़बड़ हो जाता है, इवन कट नहीं होता है, छोटे बड़े हो जाते हैं, तो प्रॉपर आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है। अब सामने का कट करेंगे, एक तो ये खुद से कट करके रखी, बताओ खुद से कट किए दीदी कट की, दीदी को बोलना इस बार देख के कट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी छोटा है, बट इसको मैं थोड़ा शेप दे देती हूँ। तो उसके लिए देखिए, पहली बार तो सेंटर पार्ट्स को वी सेक्शन डिवाइड करते हुए लेना होता है, बट अभी इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा, तो शेप को मैं इवन कर देती हूँ, बस वी सेक्शन ले रही हूँ सामने से भी, और इसको ऐसा करने के बाद ट्विस्ट कर दें यू, ठीक है। और इसको हम पहले इवन ट्रिम करेंगे ऐसा, और इसको जिग जैग कर देंगे। तो ये वाले हेयर इतने घने कट नहीं करने होते, हल्की लेयर लेके कट करना होता ताकि एक एक स्लाइस ऐसे हल्की हल्की रहे, बट इनका काफी घना पहले से कट हो रखा है, तो उसको सिर्फ मैं एक शेप दे दे रही हूं बस। तो ये कंप्लीट हो गया, चलिए अभी ब्लो ड्राई करके दिखाती हूं मैं आपको। हेयर कट अच्छा लगा आपको? इतना ही शॉर्ट चाहिए था, और ये सामने का ठीक करके आना, फिर और बढ़िया अच्छे से कट करूंगी, है ना। बाकी काफी अच्छा बाउंस भी ऐड हो गया और कट भी अच्छा। बहुत ही इजी टेक्निक शेयर की हूँ, और इनके साथ मैंने इनकी सिस्टर का भी हेयर कट किया हुआ है। दोनों की क्वालिटी में काफी फर्क है। पहले जो मैं कटिंग की हूँ उनका क्वालिटी जो है बहुत पतला है और रफनेस भी है हेयर पे, और जो इनकी बड़ी बहन का हेयर कट की हूँ उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। प्रोसेस एक ही जैसे की हूँ, इसलिए एक कटिंग दिखाई हूँ और दूसरे का फाइनल लुक डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए सामने का दोनों का हेयर कट इनकी एक और बड़ी बहन घर पे ही करके पूरा अजीब सा कर दिए हैं लुक, और अभी ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता था, तो बस हल्का सा ट्रिम करके उसको अच्छा एक शेप दे दी हूँ। बाकी जब लेंथ आ जाएगी तो उसको मैं ठीक करूँगी फिर। आई होप कि डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टा आईडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस।